अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का आखिर मकदम है। क्या कार्रवाई धर्म को देखकर की जाएगी? यकीनन आजकल धर्म को देखकर ही कार्रवाई की जा रही है। खैर, मुल्क का संविधान सबसे ऊपर है। जब कोई मुसलमान सामने आता है तो उस संविधान की दुहाई देते हुए कहा जाता है कि क्या तुम्हारा धर्म पहले ही है, राष्ट्र? लेकिन जब कोई हिंदू जुर्म करता है तो उसे राम भक्त और देशभक्त बताते हुए उसके तहफुज के लिए सियासी पार्टियां दौड़ पड़ती हैं, खासकर भाजपा। लिहाजा यही तस्वीर एक बार फिर देखने को मिल रही है। बाबरी मस्जिद की शहादत के वक्त अपने आप को कार सेवक कहते हुए 31 साल पहले राम मंदिर तहरीक का हिस्सा बनकर आरएसएस का कारकुन श्रीकांत पुजारी पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। अब 31 साल बाद उसे फिर कर्नाटक हुकूमत की जानिब से हिरासत में लिया गया। पर अब भाजपा सियासी सतह पर एहतजाज करते हुए सीना पीट रही है कि श्रीकांत पुजारी पर राम भक्त होने की बुनियाद पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन क्या आपने इसका मुजरिमाना किरदार देखा है? और कितने केसेस इस श्रीकांत पर दर्ज है? जिस श्रीकांत पुजारी की गिरफ्तारी पर भाजपा हंगामा मचा रही है, दरअसल श्रीकांत पुजारी एक मुजरिम है और मुजरिमों पर कार्रवाई होना लाजिम है, ऐसा वजीर आला सिद्धरामैया ने बेबाक बयान दिया है। वाजा रहे, आरएसएस कारकुन श्रीकांत पुजारी पर 16 मुकदमे होने की बात कही जा रही है, जिसमें अभी भी मामले अदालत में जेर समात है। अपनी तवील तकरीर में वजीर आला सिद्धरामैया ने भाजपा और हिंदुत्व के आलमबरदार समझने वालों की पोल खोलते हुए कहा कि अगर कोई मुजरिम जुर्म करने के बाद भगवा शाल पहनकर अपने आप को हिंदू होने का ऐलान करता है तो फौरन भाजपा और हिंदुत्व तंजीमें हंगामा मचाने को शुरुआत करती हैं। श्रीकांत पुजारी एक मुजरिम है और इसकी रिहाई के लिए हंगामा करना गोया राम का भी अपमान करना है। जब भाजपा की हुकूमत थी तब येडियुरप्पा को भी हिरासत में लिया गया था। जाहिर है अक्सरियत हिंदू मजहब के मानने वाले लोग हैं, तो जेल में भी जाहिर है मुजरिम आपको ज्यादातर हिंदू ही मिलेंगे। इसका मतलब क्या सभी मुजरिमों के लिए लड़ेंगे या सीना पीटेंगे क्योंकि वो हिंदू है? इसलिए लिहाजा आरएसएस के श्रीकांत पुजारी की हिमायत में एहतजाज और हंगामा करने से पहले उसके जुर्मों की दास्तान भी पढ़नी होगी। भाजपा की हुकूमत ने येडियुरप्पा को गिरफ्तार किया था, क्या येडियुरप्पा से भी कोई बड़ा हिंदुत्ववादी था? तो क्या फिर उस वक्त भाजपा हिंदू विरोधी थी क्या? ऐसा सवाल भी किया गया। सिद्धरामैया ने गुजारिश की कि हिंदुत्व के नाम पर मुजरिमों की हिमायत बंद करे। भगवान भाजपा वालों को नेक अकल की दुआ भी वजीर आला ने की। भगवान राम और हिंदू धर्म को लेकर भाजपा घटिया सियासत कर रही है। क्या किसी मुजरिम को धर्म के नजरिए से देखना होगा? 24 घंटे में श्रीकांत पुजारी को रिहा करने का अल्टीमेटम भाजपा और हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से दिया गया था, लेकिन इनके इस अल्टीमेटम को सिद्धरामैया हुकूमत ने नजरअंदाज किया। लिहाजा आज पूरी रियासत में एहतजाज कर सिद्धरामैया हुकूमत को हिंदुओं के मुखालिफ सरकार के तौर पर पेश किया गया। अगर सही में देखा जाए तो आजकल हर बात को धर्म के नजरिए से ही देखा जाता है। मुजरिम अगर मुसलमान है तो इसके लिए अलग पैमाना होगा, इसके लिए तो छोटी सी बात पर गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन अगर कोई भगवा गमछा पहनकर जुर्म करता है तो उसके लिए गुनाह भी नेकी में बदल जाता है। आप यूपी में तो इस तरह की बारहा रोजाना हरकत देख सकते हैं। भगवा गमछा जुर्म को नेकी में बदलने का जरिया बन चुका है। अगर भगवा गमछा पहनकर या फिर नारा मखसूस नारा अगर देकर किसी का कत्ल भी कर देता है तो उसे देशभक्ति के पस मंजर में लिया जाता है। और इसके बाद को एक बार फिर श्रीकांत पुजारी मामले में देखने को मिल रहा है। आज भी कई पुलिस थानों में 60-70 साल के बूढ़ों को रोड शीट के तहत परेड के लिए किसी भी थाने में बुलाकर घंटों खड़ा कर गाली गलौज किया जाता है। लेकिन अगर यही रोड़ी किसी हिंदुत्व तंजीम का अफराद है तो इसे फिर बाइज्जत बिठाकर इसके साथ अच्छा बर्ताव किया जाता है। मतलब अब इंतजामिया भी फिरका परस्तों की पुश्त पनाई में खदमात को अंजाम दे रही है। हुबली में महज एहतजाज करने पर, वो भी सोशल मीडिया पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तोहीन आमोज पोस्ट करने पर मुसलमानों ने एहतजाज किया। इस पर मुसलमानों को यूएपीए लगाया गया। 150 के करीब अफराद जेलों में गए। अभी 35 अपराधों की जमानत पर रिहाई की बात कही जा रही है और ये रिहाई भी सुप्रीम कोर्ट तक जाने के बाद हासिल हुई और 2 साल के करीब इन्हें जेल में रहना पड़ा। और यहाँ कई मुकदमों में मुलव्वी श्रीकांत पुजारी का हिरासत में लेने पर हंगामा बरपा किया जा रहा है। दो कौमों में किस कदर फर्क है इसे भी समझना जरूरी है। कुछ मुस्लिम नौजवानों को तो फेसबुक इंस्टाग्राम पोस्ट पर ही हिरासत में लिया जाता है और कुछ को हफ्ते तो कुछ को महीने जेल में रखने की वारदातें हमने बारहा देखी है। ये इसलिए होता है क्योंकि मुत्तहिद कौम और मुंतशिर कौम यानी कि गैरतमंद और बेगैरत या तो हसास कौम और बेहिस कौम, इस तरह से आप फर्क कर सकते हैं। संविधान पर अमल करने की कस्में तो सियासी लीडरान ऐवान असेंबली में खाते, पर हकीकत में
हर तरफ धर्म मजहब नफरत की सियासत ही का बोलबाला है। सिद्धरामैया ने जो बयान दिया वाकई काबिले सताइश कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस की हालत एक तरफ खाई तो एक तरफ पहाड़ की तरह हो चुकी है। हाल ही में का लड़का प्रभाकर ने मुस्लिम खवातिनों पर तोहीन आमोज बयान दिया, पर नजदीक लोकसभा चुनाव है, हिजाब पर भी फैसला लेते हुए यू टर्न लेना पड़ा, कहीं अक्सरियत हिंदू नाराज ना हो जाए। इसी तरह अकलियतों को 10,000 करोड़ का फंड मंजूर करने पर भी जब भाजपा ने ऐतराज जताया तो यहाँ भी ब्रेक लगाना पड़ा। मतलब कांग्रेस किसी भी तशवीशनाक या यूं कहिए कि मुसलमानों की हिमायत में फैसला नहीं लेना चाहती। पर कितना भी आप बचने की कोशिश करो, भाजपा हिंदुत्व को लेकर हमेशा सरगर्म रहती है, क्योंकि नौजवानों को रोजगार तो दे नहीं सकती, और रोजगार देने से आसान भगवा शाल पहनाकर धर्म के नाम पर खून खराबा करना है। और धर्म जज्बाती मौजू है और आसानी से आवाम इस साजिश का हिस्सा बन ही जाते हैं। और राम मंदिर को लेकर माहौल बनाया जा रहा है, घर घर गली मोहल्ले में प्राण कलश घुमाया जा रहा है। और इसी में श्रीकांत पुजारी भले ही मुजरिमाना किरदार ही का क्यों ना हो, लेकिन अगर इसे कारसेवक या फिर हिंदू साबित कर कांग्रेस को हिंदू विरोधी का माहौल बनाया जा सकता है, और इसी काम को बखूबी अंजाम भी दिया जा रहा है। वजीर आला सिद्धरामैया ने हिंदू धर्म को भाजपा बदनाम कर रहा है कहा, और मुजरिमों को धर्म की आड़ में बचाने की कोशिश भी कर रहा है कहा। जो भी हो, लेकिन इतना जरूर है कि धर्म की आड़ में मुजरिमों को बचाने की भाजपा की साजिश का मुकाबला कांग्रेस कर सकती है क्या, ये सवाल आज भी खड़ा है, और आने वाले चुनाव के नतीजे ही इस सवाल का जवाब दे सकते हैं, इतना जरूर है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। ये अपराधी अपराधी नहीं आवागलू है, अनलेस कोर्ट नली अक्विट आगे वर्गू कुड़ा और अपराधी नहीं अल्वा हाँ थाई मार बुड़ते क्षणे अपराध वो बुड़ता था प्रहलाद जोशी के कानून गोती दिया था इलो गोती लपना नहीं है सी समय आते क्षणे कोर्ट अपराध अदूल ಅದಿರ್ತದೆ ನಾವು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಹಳೆ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಚುತ್ತ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಳೆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ನೀಚತನ, ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರ ನೀಚತನ, ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನು ಹೇಳಿದಾರೆ ಅತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೆ, ಆಯ್ತು ಈಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ತಪ್ಪೇನು, ಈಗ ಮಾಡಿರೋದು ವಿಳಂಬ ಆಗಿರೋದೆ ನಿಜ, ಈಗ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇದೆಯಾ? ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರೇನು ಲೀಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಏನ್ರಿ, ಹಾಂ ಲೀಗಲ್ ರಿಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಅವರು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು, ಅವರೇ ಕೋರ್ಟ ಕಾನೂನು ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ.